हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे जे मेन का डेफिनेट इंटीग्रल का 24th का क्वेश्चन 24th जन का। देखो बच्चों, सबसे पहले बेटा जो टर्म गिवन है, हम इस टर्म के जो इक्वेशन गिवन है बेटा, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे। क्रिटिकल पॉइंट्स मींस फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा फैक्टर्स फाइंड आउट करो। फैक्टर्स बेटा, इसके फैक्टर्स जो आएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू। एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू फैक्टर्स आ जाएंगे बेटा। नाउ बेटा पॉइंट्स प्लॉट करोगे ऑन नंबर लाइन वन टू, लाइक वेवी कर्व बेटा। वेवी कर्व हर बार स्टार्ट हो जाएगी राइट साइड से, ऊपर नीचे ऊपर। अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व बेटा आप ड्रॉ करोगे पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिंबल्स। क्लियर है बच्चों? पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिंबल आ जाएंगे बेटा। नाउ ब्रेक करोगे बेटा जो गिवन क्वेश्चन है 12 इनटू बेटा 0 टू 3 है, ब्रेक करो बाय दीज क्रिटिकल पॉइंट्स 0 टू 1। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी बेटा 1 टू 2 एंड लास्ट टर्म हो जाएगी बेटा 2 टू 3। 0 टू 1, 1 टू 2 एंड 2 टू 3। क्लियर है बेटा? नाउ बेटा अकॉर्डिंग टू दिस साइंस, जो साइंस है बेटा साइंस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नंबर है बेटा पॉजिटिव आ जाएगी टर्म। 0 टू 1 मतलब 0 टू 1 बेटा पॉजिटिव नंबर्स, 0 टू 1 पॉजिटिव टर्म्स, 1 टू 2 बेटा नेगेटिव टर्म्स, 1 टू 2 नेगेटिव टर्म्स एंड 2 टू 3 अगेन बेटा पॉजिटिव टर्म्स, अगेन बेटा पॉजिटिव टर्म्स। क्लियर है बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्म्स। नाउ बेटा इस टर्म को इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 बेटा लिमिट यूज करोगे 0 टू 1 प्लस माइनस बेटा पूरी टर्म के बाहर आ जाएगा माइनस सिंबल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 एक्स बेटा सिंबल आ जाएंगे 1 टू 2 एंड लास्ट टर्म आ जाएगी एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 एक्स एंड सिंबल आ जाएंगे बेटा 2 टू 3। क्लियर है बेटा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पुट करोगे 1 बाय 3 माइनस 3 बाय 2 प्लस 2 बेटा 0 पुट करोगे सेम नंबर आ जाएगा। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में बेटा पुट करोगे वैल्यू ऑफ एक्स 2 8 बाय 3 माइनस 12 अपॉन 2 प्लस 4 माइनस बेटा नेक्स्ट टर्म 1 पुट करोगे 1 बाय 3 माइनस 3 बाय 2 प्लस 2। नेक्स्ट टर्म बेटा पुट करोगे 27 अपॉन 3 माइनस 9 27 अपॉन 2 प्लस 6 माइनस बेटा वैल्यू पुट करोगे दिस नंबर इज 8 अपॉन 3 माइनस 12 अपॉन 2 प्लस 4। बेटा इसे आप पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे बेटा जो इंटरनल वैल्यूज है पूरी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बेटा जो इंटरनल वैल्यूज हैं आपके पास आ जाएंगी 11 बाय 6, बाहर है 12 बेटा जो इंटरनल वैल्यू का आप सिंप्लीफाई करोगे ये नंबर आ जाएगा 11 बाय 6 एंड फाइनल आंसर बेटा आपका 22 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स।